अफजान। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 10 दिन तक यहाँ पे संघर्ष किया है। बड़े दुख की बात है, इस पहाड़ी पे एक हक की लड़ाई के लिए आपने इतना संघर्ष किया और आज आदिवासियों के 17 एमएलए हैं, एक एमएलए बैठा था एमएलए साहब और एक दो आगे गए बता रहे हैं, तो दूसरे नहीं आ रहे हैं। ये कोई कांग्रेस की, बीजेपी की या कोई बीटीपी की कोई लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। आज पूरे राजस्थान में, पूरे 36 कौम है उसमें, आनंदपाल गुंडा था उसके लिए लड़ाई लड़ी उन राजपूतों ने, सड़कों पर उतर गए थे। आज कौन से राजपूतों को सजा पड़ गई, इन्होंने रास्ते जाम कर दिए थे। गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, जाटों ने लड़ाई लड़ी, इधर गुजरात में पाटीदारों ने लड़ाई लड़ी। आज एक समाज की बात आई है आदिवासियों में, कोई मरने मिटने के लिए बैन बता रही थी कि कोई नहीं एमएलए कह के क्या मैं पहले बैठूंगा, कौन आके बैठा। मैं आज इस समाज की जाजम पे और ठाकरे डूंगरी पे ऐलान करना चाह रहा हूँ कि जब भी आपका नेशनल हाईवे जाम करने का हो, हमको ही पता, तो हम यहाँ बैठे हैं। मैं कोटड़ा से हूँ, मैं भी 2000 लोगों को कोटड़ा से ले आऊंगा और सबका दिखाऊंगा। तन मन धन से हम साथ में हैं। मेरे साथ में आज दो सरपंच साहब आए हैं और भी जितनी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में हैं। और कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई फांसी पर चढ़ाने के लिए कोई चढ़ाएगा नहीं, चाहे गहलोत हो चाहे कोई भी हो। और कोई ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, कोई यहाँ पार्टी की बात नहीं करेगा। मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता होगा, लेकिन पार्टी की लड़ाई नहीं, पार्टी बाद में है, समाज पहले है। और तैयार कर लो आज से सरकार को कि कब उतरना है, कब सड़कों पर जाना है। अभी साहब बता रहे थे अभी दादाजी कि घर से निकला है, यहाँ से एक ढोल बजेगा, हर गांव में ढोल बजवा दो, हर गांव में ढोल बजवा दो। अपने सब ढोल है अपने हर घरों में, पूरे पूरा संभाग है आदिवासियों का। और आज आदिवासी अपन यहाँ पे डूंगरी पे लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। एक घंटे में ये सरकार मानेगी अपनी, और अपने ये लड़के नौकरी पे लगेंगे। यही मैं आपको कह रहा हूँ, और जब भी जरूरत पड़े कमेटी बनी हुई, हमारे यहाँ नंबर भी है और हम साथ में हम आह्वान कर देंगे। हमारे वहां से गाड़ियां भर के लोग आएंगे, तीर कमान के साथ में आएंगे। आप तो बस सीधा सा ऐलान करवा दो अब क्या करना है। अब कोई ज्यादा 10 दिन हो गए, कोई महीना भर नहीं बैठेंगे, अब अपने पास टाइम नहीं है। और सरकार को टाइम दे दो, सब तैयार हो लड़ने के लिए। जोर सबको, और टाइम आप नोट करवा दो, आने वक्त